हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.6 का क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, यदि x इजकल टू रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी, वाई इजकल रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी, तो दर्शाइए कि dy वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस वाई बाई एक्स। यानी कि हमको प्रूफ करना है dy वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस वन बाई एक्स। तो हम पहले x इजकल टू रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी को समीकरण फर्स्ट मानेंगे और y इजकल टू रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी को समीकरण सेकंड मानेंगे। इसके बाद समीकरण वन में t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा d बाई डी टी एक्स इजकल टू डी बाई डी टी रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी। इसके बाद डी एक्स बाई डी टी इजकल टू हो जाएगा वन बाई टू रूट ए साइन इनवर्स टी इंटू ए साइन इनवर्स टी इंटू वन बाई रूट अंडर ए माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा एक फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स रूट अंडर एक्स का वन बाई टू रूट एक्स होता है। इस हिसाब से यहाँ हमारा हो जाएगा वन बाई टू रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी, और यहाँ पर ए साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ए साइन इनवर्स टी हो जाएगा, और फिर ये साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये वन बाई रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद डी एक्स बाई डी टी इजकल टू हो जाएगा वन बाई टू रूट अंडर ए साइन इनवर्स के बदला में हम एक्स लिखेंगे क्योंकि ये हमारा एक्स का वैल्यू है, और यहाँ पर हो जाएगा ए साइन इनवर्स टी बाई रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा इसलिए ए साइन इनवर्स टी जो है वो ऊपर चला जाएगा और यहाँ हर के जगह पर हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर। इसको हम समीकरण थ्री मान लेंगे। उसके बाद पुनः समीकरण टू में टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारा समीकरण टू जो है वो वाई इक्वल रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी है, तो इसका अवकलन करेंगे d बाई डी टी वाई इजकल टू डी बाई डी टी रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी। तो यहाँ हो जाएगा dy वाई बाई डी टी इजकल टू वन बाई टू रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी इंटू ए कॉस इनवर्स टी इंटू माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि ये भी हमारा फार्मूला से बदलेगा। तो फार्मूला हमारा ये है d बाई डी एक्स रूट अंडर एक्स इजकल टू वन बाई टू रूट। उसके बाद यहाँ जगह dy वाई बाई डी एक्स इजकल टू वन बाई टू, और फिर ये रूट ए कॉस इनवर्स टी को y लिख देंगे क्योंकि ये y का वैल्यू है, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए कॉस इनवर्स टी बाई रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद dy वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस वन बाई टू वाई इंटू, ये माइनस जो है इसको हम शुरू में ले लिए हैं, उसके बाद हो जाएगा ए कॉस इनवर्स टी बाई रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर। इसको हम समीकरण फोर मान लेंगे। अब समीकरण फोर में समीकरण थ्री से भाग करने पर तो ये हमारा हो जाएगा dy वाई बाई डी टी भाग डी एक्स बाई डी टी इजकल टू माइनस वन बाई टू वाई इंटू ए कॉस इनवर्स टी बाई रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर, और भाग में हो जाएगा वन बाई टू एक्स इंटू ए साइन इनवर्स टी बटा रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर इस भाग को गुना में बदलेंगे तो ये हो जाएगा dy वाई बाई डी टी डी टी बाई डी एक्स इजकल टू माइनस ए कॉस इनवर्स टी बाई टू वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर। यहाँ भी भाग को गुना में बदलेंगे तो हर वाला ऊपर चला जाएगा और अंश वाला नीचे आ जाएगा, तो ये होगा टू एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर बाई ए साइन इनवर्स टी। इसके बाद डी टी से डी टी जो है क्लियर हो जाएगा, यहाँ टू से ये टू क्लियर होगा, यहाँ रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर से रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर क्लियर होगा। तो हमारा बचेगा dy वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस ए कॉस इनवर्स टी बाई वाई इंटू एक्स बाई ए साइन इनवर्स टी। इसके बाद dy वाई बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा ए कॉस इनवर्स टी, इसको हम दो हिस्सा में बांट लेंगे, माइनस के लिए तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी इंटू रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी, क्योंकि इसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। उसके बाद एक्स का वैल्यू जो है
वो हमारा सवाल में ही दिया था, तो रूट अंडर ए साइन वर्स टी इसका वैल्यू रख देंगे। और यहाँ वाई का वैल्यू भी हमारा यानी समीकरण दो में दिया था, तो रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी ये भी रख देंगे। और यहाँ पर इसको दो हिस्से हम बांटेंगे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी इंटू रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी। यहाँ रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी से रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी ये क्लियर हो जाएगा, और यहाँ रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी से रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी ये भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी अब बाई रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस के लिए माइनस हो गया, और ये हमारा जो वैल्यू है ये एक्स का है, क्योंकि ये समीकरण ये वैल्यू हमारा वाई का है, समीकरण टू में दिया है। तो रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी इसके लिए हम वाई लिख दिए, और रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी इसके लिए एक्स लिख देंगे। और हमारा यही प्रूफ करना था, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस वाई बाई एक्स ये प्रूफ होगी।